जी, आपको हमसे अकेले में बात करनी थी? हम अब क्या बोलें? हमारी पसंद अब जो अम्मा बाबूजी की पसंद है वही हमारी पसंद है। हाँ, हमको पता है कि हम पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, हमको अपना डिसीज़न खुद लेना चाहिए, पर अम्मा बाबू जी ने आपको चुन लिया है ना, तो बस अब आप बता दीजिए आपको हम पसंद है कि नहीं। नहीं, मेरे मन में कोई बात नहीं है, बचपन से यही हो रहा है, अम्मा बाबू जी ही सब कुछ तय करते हैं, नहीं तो बड़े भैया, हमको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, हमको कहाँ पढ़ना है, गर्ल्स कॉलेज जाना है, ये सब वही लोग तय करते हैं। हमारे मोहल्ले में ना एक लड़का था सूरज, हमको पसंद करता था, हम नहीं करते थे लेकिन वो करता था, लेकिन उसको किसी ने कुछ नहीं बोला, हमारा ही जो है बाहर निकलना बंद हो गया, जीन्स पहनना बंद हो गया, सलवार सूट पहन लिए, काजल बंद हो गया, लिपस्टिक नहीं लगा सकते थे, हमको बस साधारण तरीके से कॉलेज जाना था, और जबकि हम बस काजल लगा के ही जाते थे, हमको पसंद है काजल लगाना, तो वो भी बाबूजी ने बंद करवा दिया। तो हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं उसे फर्क नहीं पड़ता है, सामने वाला बस खुश रहे हमसे, हमको यही बचपन से सिखाया गया है। आप बता दीजिए आपको हम कैसे लगे हैं। हम कर लेंगे समझौता और किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे, आपके बाबूजी अम्मा किसी को।